kids, in this video of NCO for class 7, I am going to start chapter 1. NCO stand for National Computer Olympiad. Start karte hain with chapter 1, that is Fundamentals of Computer. First question is, which of the following statements holds true about control unit? First of all, control unit hoti kya hai, wo dekh lete hain. Hamara jo CPU hota hai, usme two parts hote hain. Ek hota hai arithmetic unit and second होता है control unit. Arithmetic unit and control unit. Arithmetic unit means कि जो भी हमारे addition, subtraction, multiplication, division और logical operations होते हैं वो ये करता है और control unit सारे operation को control करता है. ठीक है. Now statement one is it is the part of computer CPU which direct the operation of the processor. तो this is correct. जो भी हमें चीजें करनी होती है control unit उसके कंट्रोल सिग्नल सेंड करता है सारे पार्ट्स को कंप्यूटर के पार्ट्स को. दैट्स वाई इसको कहते हैं विच डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर. ठीक है. नाउ स्टेटमेंट टू, इट आल्सो हैंडल्स मल्टीपल टास्क सच एज फैचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग, हैंडलिंग एंड स्टोरिंग रिजल्ट्स. तो दिस इज आल्सो करेक्ट. फैचिंग का मीन्स होता है कि जो इंस्ट्रक्शन आया उसे समझना, देन उसके अकॉर्डिंगली ही सिग्नल को सेंड करना अदर पार्ट्स को. ठीक है. तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ रूटीन्स दैट परफॉर्म्स अ वराइटी ऑफ जनरलाइज्ड ऑपरेशंस सच एज सॉर्टिंग, सर्चिंग, मर्जिंग, कॉपिंग, प्रिंटिंग एंड मेंटेनेंस ऑन डेटा फाइल्स इन योर कंप्यूटर. तो ये कौन करता है? ये हमारा फाइल यूटिलिटीज करते हैं. ठीक है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस. इज द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू सपोर्ट मोर देन वन प्रोसेसर टू अलोकेट टास्क बिटवीन देम इज कॉल्ड मल्टी टास्किंग. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? मोर देन वन प्रोसेसर, नॉट टास्क. तो दिस इज रॉन्ग. मोर देन वन प्रोसेसर मीन्स मल्टी प्रोसेसिंग. तो बी इज द राइट ऑप्शन. बैचिंग नहीं होगा, मल्टी यूजर्स भी नहीं होगा. जब यूजर्स बहुत हो तो उसको मल्टी यूजर्स. बैचिंग मीन्स कि आप पार्ट्स में बैचेस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो. मल्टी टास्क मीन्स कि एक साथ बहुत सारे टास्क हो रहे हैं. यहाँ बात हो रही है मोर देन वन प्रोसेसर मीन्स मल्टी प्रोसेसिंग की. These scanners use photo multiplier tubes to produce high quality results. They are dash scanner. यहाँ पे scanners के नाम दे रखे हैं flat bed, sheet fed, handheld और drum. तो इसके लिए जो option correct है that is drum. Identify the following. It is a device that generate hard copy output. तो यहाँ पे सबसे ही hard copy मिल जाएगा. ठीक है. ये scanner है, ये printers हैं. ठीक है. और इट ड्रॉज लाइन्स ऑन अ पेपर यूजिंग अ पेन बेस्ड ऑन कमांड्स रिसीविंग फ्रॉम अ कंप्यूटर. कंप्यूटर से जो कमांड मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली वो ड्रॉ करेगा. तो इसके लिए क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, दिस इज अ पेन प्लैटर. ठीक है. तो सी इज द राइट ऑप्शन है. a/n- इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. हमें अगर कोई काम करना होता है ना तो हम क्या करते हैं? पहले ये प्रोसेस करेंगे, देन ये प्रोसेस करेंगे. तो इसी तरीके से जब हम स्टेप्स को डिसाइड करते हैं कि पहले हमें ये स्टेप करनी है, मींस कि अगर सपोज हमें एडिशन करना है तो हमें दो डेटा को स्टोर करना होगा, देन उसे ऐड करना होगा. तो ये जो स्टेप्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एल्गोरिदम. और एल्गोरिदम को जब हम ब्लॉक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्लो चार्ट. और लैंग्वेज तो होती है कि हम प्रोग्रामिंग किस फॉर्म में लिख रहे हैं. ठीक है. मशीन कोड में, असेंबली में. ठीक है. स्पेशल सिंबल्स भी आपके होंगे कि डिफाइन करेंगे कि प्रोग्राम कैसे हो. यहाँ एल्गो की बात की जा रही है क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स लिखे जा रहे हैं. तो ए इज द राइट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट अ रजिस्टर. रजिस्टर बेसिकली क्या होता है? डेटा को स्टोर करने के लिए होता है. जैसे आप अपने रफ रजिस्टर की बात करो तो उसमें आप क्या करते हो? अगर आप नोट्स बनाते हो तो उसमें जो उसमें हैंड रिटन चीज़ें होती है उसको स्टोर करते हो. सेम वे मेमोरी, कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो रजिस्टर का ग्रुप होती है. तो वो डेटा को बेसिकली स्टोर करने के लिए होती है. ठीक है. तो नाउ ऑप्शंस देखते हैं. इट इज़ अ स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज यूनिट्स. यस, दिस इज करेक्ट. इट होल्ड द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट नीड टू बी प्रोसेस इमिडिएटली. यस, वो चाहे डेटा हो या इंस्ट्रक्शन हो उससे उसे कोई मतलब नहीं है. उसके लिए वो एक वैल्यू है, डेटा है, उसको वो स्टोर करेगा. तो मींस दिस इज आल्सो ट्रू. अगर दो ट्रू है मींस डी इज द राइट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज. स्टिल हम सी पढ़ लेते हैं. डेटा स्टोर्ड इन स्पेसिफिक रजिस्टर हैव स्पेशल मीनिंग टू द सीपीयू. यस, दिस इज आल्सो करेक्ट. ठीक है. VOIP is a technology that enables user to make calls over the internet. Which of the following condition should be met to make a call using VOIP?
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VOIP. VOIP मीन्स वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. क्या है? वी फॉर वॉइस, ओ फॉर ओवर, आई फॉर इंटरनेट, पी फॉर ओवर प्रोटोकॉल. ठीक है, तो हमारा VOIP के लिए इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? द टेलीफोन शुड बी कनेक्टेड टू अ नेटवर्क केबल. तो दिस इज द करेक्ट, बिकॉज VOIP में जो कॉल्स होती हैं उसमें हम ब्रॉडबैंड का हमें इंटरनेट चाहिए होता है, और ब्रॉडबैंड हमारा क्या होता है, उसके लिए केबल यूज होती है. तो ए इज द राइट ऑप्शन. इट मस्ट हैव अ लाइन इन लाइन ऑब्जेक्ट, दिस इज रॉन्ग. द फोन शुड बी वायर्ड, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. अनस्क्रैम्बल द गिवन लेटर्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विथ विच इट रिलेट्स. अब इसका मीन्स क्या है, यहाँ से जो मुझे दिख रहा है वो है प्रोसेसर, PROCESSOR प्रोसेसर. ठीक है, अब प्रोसेसर देखो, इंटेल कोर i9, दिस इज अ प्रोसेसर. तो ए इज द राइट ऑप्शन. मेमोरी कार्ड होगा नहीं, ठीक है, हम उसमें डेटा स्टोर करते हैं. हार्ड डिस्क होगी नहीं, दैट इज ऑल्सो यूज फॉर स्टोरिंग डेटा. एंड यहाँ पे है साटा. साटा क्या होता है? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अचीवमेंट, जिसका हम यूज करते हैं वेरियस डिवाइसेस से कनेक्ट करने के लिए. ठीक है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? यहाँ पर ए मीन्स इंटेल कोर i9. विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स द CPU टू वेरियस इंटरनल कंपोनेंट्स एंड टू एक्सपेंशन कार्ड फॉर ग्राफिक्स, नेटवर्किंग एंड साउंड. तो इसमें बेसिकली पूछा है कि CPU को अगर हमें डिफरेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर से कनेक्ट करना हो तो किसके थ्रू करेंगे? तो वो होता है, पोर्ट्स तो होंगे नहीं. पोर्ट्स हमारे क्या होते हैं? इनपुट या आउटपुट पोर्ट्स होते हैं. चिप सेट भी नहीं होगा, बिकॉज में चिप्स होंगी. बसेस इज यूज फॉर सेंडिंग द डेटा. तो सी इज द राइट ऑप्शन. रजिस्टर इज यूज फॉर स्टोरिंग डेटा ओनली. ठीक है, तो सी इज राइट ऑप्शन फॉर दिस. सिम इज अ मॉड्यूल दैट कंटेन्स वन और मोर मेमोरी चिप्स इन अ स्मॉल सर्किट बोर्ड. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेमोरी चिप इट इज यूज. तो ये होगी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. ठीक, सिम स्टैंड फॉर सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल. और इस तरह की मेमोरी जो हमारी रिलेटेड होगी वो रैम से होगी, बाकी हमारी सारी रीड ओनली मेमोरी है, ई रोम, पी रोम और ROM. ठीक है, तो बी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया मेक अ कंप्यूटर सिस्टम टर्निंग कंप्लीट. ठीक है, अब इसमें से क्या, इट्स एबिलिटी टू सॉल्व एनी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, दिस इज करेक्ट, 12th का ए. इट्स एबिलिटी टू डिस्प्ले आउटपुट इन टेक्स्ट मोड, तो ये तो हमारा डिस्प्ले डिवाइस का काम होगा. फिर इट्स एबिलिटी टू हैंडल वॉइस इनपुट, तो ये हमारा माइक्रोफोन का. इट्स एबिलिटी टू प्रिंट फाइल्स, वो होगा प्रिंटर का काम. ठीक है, तो ये हो गया 12th का ए. विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूजेस CCDs, PMTs और CISs टू रिकॉर्ड हाउ मच लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो नाउ सबसे पहले इनके फुल फॉर्म पता होने चाहिए. CCD का मीन्स है चार्ज कपल डिवाइस. CCD मीन्स चार्ज, सी फॉर चार्ज, सी फॉर कपल, डी फॉर डिवाइसेस. PMT का मीन्स है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स, और CIS का मीन्स है कॉन्टैक्ट इमेज सेंसर. ठीक है, तो नाउ अब क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूजेस दीज टू रिकॉर्ड हाउ मच लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ द ऑब्जेक्ट. कितनी लाइट रिफ्लेक्ट हुई ऑब्जेक्ट से, उसको रिकॉर्ड करने के लिए. ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन होगा दैट विल बी बी राइट ऑप्शन. तो ये देखो माइक है, ये है ना, ये हेडफोन के साथ माइक है, और ये माइक है, और ये आई थिंक प्रिंटर है. ठीक है, तो हमारा बी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि स्कैनर जो होते हैं वही यूज़ करते हैं CCD को, PMT को और CIS को. तो बी इज़ द राइट ऑप्शन. ना डैश इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम दैट हैव अ स्पेसिफिक शेप. तो दैट इज फ्लो चार्ट. एल्गोरिदम का मीन्स क्या होता है? जिसमें हम स्टेप्स लिखते हैं. प्रोग्राम क्या होता है? वो डिपेंड करता है हम किस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे हैं, उस लैंग्वेज में वो हम पूरी जो स्टेप हमने एल्गोरिदम में बनाए थे उसको हम उस सॉफ्टवेयर के मींस की, सपोज हम पाइथन में कर रहे हैं, सी में कर रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर की कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसके कोड लिखते हैं. फ्लो चार्ट होता है जो एल्गोरिदम के स्टेप्स को बताता है कि कहाँ हमने डिसीजन लिया, कहाँ से स्टार्ट किया, क्या प्रोसेस है. तो इसको हम ब्लॉक्स से, अलग अलग शेप से शो करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट. सीक्वेंस हमारा क्या होगा कि अब स्टेप के बाद कौन से स्टेप होगी. तो यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है, तो दैट इज सी मीन्स फ्लो चार्ट. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, इट इज यूज फॉर रीडिंग आउट टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन टू ब्लाइंड पर्सन.
It is also used for translation system that converts enter text into a spoken words in a language selected by user. ठीक है, उसको क्या करता है? फर्स्ट है कि इट इज यूज फॉर रीडिंग आउट टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन टू ब्लाइंड पर्सन्स, ब्लाइंड पर्सन्स के लिए. सेकेंड है इट इज ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसलेशन सिस्टम्स दैट कन्वर्ट इंटर टेक्स्ट इंटू स्पोकन वर्ड्स इन अ लैंग्वेज सेलेक्टेड बाई यूजर. तो ऑप्शंस क्या हैं इसमें? ऑप्शन है स्पीच सिंथेसाइजर, डिजिटाइजर, इक्वलाइजर, स्टेप्स रिकॉर्डर. देखो ये रिकॉर्डिंग के लिए ही होता है. इक्वलाइजर अगर कोई लॉसेज हो गए तो इसको एम्पलीफाई करता है. डिजिटाइजर डिजिटल में कन्वर्ट करता है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है. ऑप्शन ए आपका क्या होगा? स्पीच सिंथेसाइजर जो कि एंटर टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट करता है? लैंग्वेज में. यहाँ पे मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, हमें मैच करना है. तो सबसे पहले यहाँ पर देखो जो आपको ईजी लगे सबसे पहले उसे करो. तो देखो यहाँ पे देखो कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट सरफेस एंड अ स्टाइलस. ठीक है, स्टाइलस तो ये किसके साथ होगा? अगर आपको ये क्लियर है तो अच्छी बात है, आपको फटाफट आंसर मिल जाएगा. ठीक है, ग्राफिक टैबलेट. अब है इसके बाद परफॉर्म द जॉब सिमिलर टू कॉन्सेप्ट ऑफ कीबोर्ड. तो ये होता है टच स्क्रीन, हम टच करते हैं और जैसे जैसे हम जो भी नॉब्स पे या जो भी चीज़ें होती हैं टच करते हैं तो एज अ कीबोर्ड ही काम करता है. OMR क्या होती है? अ टेक्निक फॉर इनपुटिंग टेक्स्ट इनटू अ कंप्यूटर बाई मीन्स ऑफ डॉक्यूमेंट रीडर. क्योंकि हम मोबाइल शीट पे बबल्स करते हैं फिर हम उसको रीड करते हैं. ठीक है, तो ये हमारा ए के लिए हो जाएगा थर्ड. तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए के साथ थर्ड, बी के साथ टू और सी के साथ वन. नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाई कंप्यूटर CPU एंड डज नॉट नीड अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम. ठीक है, तो देखो दैट इज मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज जो होती है उसको कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है. ठीक है, क्योंकि वो उसके स्पेसिफिक बाइनरी कोड्स में लिखी होती है. जो भी आपका इन्फॉर्मेशन होता है या इंस्ट्रक्शन होता है वो बाइनरी फॉर्म में लिखा होता है मशीन लैंग्वेज में. तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, इट इज यूज टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. इसका यूज हम क्या करने के लिए यूज करते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. इट इज अ सेट ऑफ कमांड्स, इंस्ट्रक्शन, रूल्स एंड सिंटैक्स. तो ये क्या है? ये क्या है? सेट ऑफ कमांड्स है, इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं, रूल्स हैं एंड सिंटैक्स है. तो हमें बताना है ये क्या है. RAM इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. तो यहाँ पर तो मेमोरी की बात हो ही नहीं रही है, मेमोरी तो सिर्फ डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बूट करने के लिए यूज होता है. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आपके जो भी एप्लीकेशन होते हैं जनरली ड्राइवर्स इसमें आते हैं. फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. बिकॉज जो भी सपोज आप पाइथन का एग्जाम्पल ले लो तो इसका यूज़ हम किस में करते हैं? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए. ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे जावा हो, चाहे पाइथन हो, चाहे सी हो. ठीक है, फिर इट इज़ अ सेट ऑफ कमांड्स. यस, जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हम बहुत सारे कमांड्स देते हैं, तभी तो वो हमारे क्या बनते हैं? प्रोग्राम्स बनते हैं. कमांड्स देंगे तो उन कमांड्स को हम किन के फॉर्म में देंगे? इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में. और वहाँ पे कुछ रूल्स होंगे, कुछ सिंटैक्स होंगे. तो दिस इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच. सबसे पहले इनकरेक्ट मैच देखना है. इनमें लिखा है सुपर कंप्यूटर, IBM सबमिट है, एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज हार्ड डिस्क है, नोटबुक मैकबुक है और सर्च इंजन बिंग है. ठीक है, तो इसमें से हमें क्या करना है? हमें ढूंढना है इनकरेक्ट मैच. पे जो सुपर कंप्यूटर लिखा है IBM सबमिट, दैट इज करेक्ट. ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज हार्ड डिस्क, दिस इज रॉन्ग. बिकॉज हार्ड डिस्क जो होती हैं वो हमारी ऑप्टिकल डिवाइसेस नहीं होती हैं, वो हमारी उसमें हमारा जो डेटा स्टोर होता है वो मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम होता है. ठीक है, और जो कि हमारा कहाँ प्लेस्ड होता है? CPU में. आपने अपने डेस्कटॉप में देखा हो, लैपटॉप में देखा हो, या हम एक्सटर्नली भी हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं वो डेटा स्टोरेज के लिए. ठीक है, नोटबुक और मैकबुक तो नहीं होगी. सर्च ये है, दिस इज करेक्ट है. ठीक है, इनकरेक्ट हमें बताना था ना, नोटबुक हमारी मैकबुक होती है. करेक्ट है, सर्च इंजन हमारा बिंग है, ये भी सही है. ठीक है, तो विच वन इज इनकरेक्ट? दिस एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज और गिवन है हार्ड डिस्क, दिस इज रॉन्ग. आलोक हैज बीन यूजिंग हिज कंप्यूटर फॉर मेनी ईयर्स. ओवर द टाइम परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर हैज डिट्रॉयटेड. वॉट शुड ही डू टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ हिज कंप्यूटर. अब उसको अगर उसका सिस्टम पुराना हो गया है, उसकी ठीक है, उसकी जो स्पीड है ये सारी चीज़ें कम हो गई हैं, तो अगर उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो उसे इसमें से
क्या करना होगा ये हमें ऑप्शंस बताने हैं। तो सबसे पहला लिखा है रन बैकअप यूटिलिटी, तो उससे कुछ नहीं होगा, तो दिस इज रॉन्ग। रन द डिस्क डी फ्रेगमेंटर इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज जो डी फ्रेगमेंटर होता है ये एक्सेस की स्पीड को इंक्रीज करता है, फाइल्स को स्टोर करता है अलग प्लेसेस पे, रीअरेंज करता है, तो हमारा क्या होगा, बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, टास्क मैनेजर नहीं होगा, रन कमांड प्रॉम्प्ट भी नहीं होगा। क्वेश्चन है, नाउअडेज अ फ्यू इंटरफेस इज अडॉप्टेड बाई कंप्यूटिंग डिवाइसेज दैट अलाउ इट्स यूजर टू कंट्रोल गेम्स एंड एप्स व्हेन द कंट्रोलिंग डिवाइसेज इज मूव्ड इन द एयर, विच टेक्नोलॉजी इज फॉलोड बाई सच इंटरफेस। इंटरफेस का मीन्स क्या होता है, सबसे पहले इंटरफेस का मीन्स होता है कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, जिसके थ्रू इनमें डेटा ट्रांसफर और रिसीव हो सके। ठीक है, ये अब कि इट्स यूजर टू कंट्रोल गेम्स एंड एप्स व्हेन द कंट्रोलिंग डिवाइस इज मूव्ड इन द एयर, जब कंट्रोलिंग डिवाइस कहाँ मूव कर रही हो, एयर में, तो इसके लिए क्या होगा, गेस्चर सेंसिंग, तो ए इज द राइट ऑप्शन। द फॉलोइंग इज आर द एलिमेंट्स ऑफ जी यू आई, तो सबसे पहले तो जी यू आई क्या होता है, जी यू आई इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इंटरफेस का मीन्स होता है जो आपका यूज होता है टू कनेक्ट द डिवाइसेज, जिसके थ्रू डेटा का ट्रांसफर हो सके, डेटा सेंड और रिसीव हो सके। ठीक है, अब इसमें से बताना है आर द एलिमेंट्स ऑफ जी यू आई, इसमें से कौन से एलिमेंट है, तो ऑप्शन आएगा डी, मींस की डी मींस की मेन्यूज आइकन्स एंड विंडोज, ऑल थ्री मींस डी इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिवाइस आइडेंटिफाइज अ पर्सन बाई मेजरिंग हिज बायोलॉजिकल फीचर्स, तो जनरली आपने ये देखा होगा पंचिंग मशीन वगैरह यूज होती हैं फॉर अटेंडेंस, तो दैट इज बायोमेट्रिक, नॉट प्रिंटिंग, नॉट टैदरिंग, नॉट पासवर्ड, दिस इज बायोमेट्रिक। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर के लिए फर्स्ट है इट फॉर्म्स कैरेक्टर एंड इमेजेस बाय स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक ऑन पेपर, तो दिस इज करेक्ट। इट इज कॉमनली यूज इन हाउस फॉर एवरी डे प्रिंटिंग, इट यूज CIJ एंड ड्रॉप ऑन डिमांड प्रिंटिंग मैथड्स, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, मीन्स की ऑल ऑफ दीज डी इज द राइट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फीचर ऑफ एल्गोरिदम, इट इज अ कंडीशन ऑफ डिसीजन, तो ये हमारा हो जाएगा ब्रांचिंग, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई या नहीं हुई तो हमें कहाँ जंप करना है या कहाँ जाना है, तो ये हमारा आता है ब्रांचिंग में। इट इज बेस्ड ऑन आइदर ट्रू और फॉल्स, तो यस, अगर हम ब्रांचिंग की कंडीशन है, सपोज ये एक बॉक्स लगाया, अगर हमने यहाँ कोई कंडीशन लिख दी, अगर यस है सेटिस्फाइड हो गई तो ये स्टॉप करेगा, अगर नो है नॉट सेटिस्फाइड तो ये वापस पीछे की स्टेप पे जाएगा, सेम प्रोसेस रिपीट करेगा विथ फ्यू चेंजेस एंड देन फिर चेक करेगा। ठीक है, तो दिस इज ब्रांचिंग। इट इज अ डिवाइस विथ अ स्पेसिफिकेशन दैट फैसिलिटेट्स द डिस्कवरी ऑफ अ हार्डवेयर कंपोनेंट इन अ सिस्टम, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम हार्डवेयर में कंपोनेंट्स को सर्च करते हैं। इट डज नॉट नीड अ फिजिकल डिवाइस कन्फिग्रेशन और यूजर इंटरवेंशन, सच अ डिवाइस इज कॉल्ड प्लग एंड पे, मीन्स ए इज द राइट ऑप्शन। ऑटो कनेक्टेड नहीं होगा, ऑटो कनेक्टेड में अपने आप कनेक्ट हो जाता है। पोस्ट फिक्स डिवाइसेज मीन्स कि आफ्टर प्रोग्रामिंग हम डिवाइस की चीज़ों को फिक्स करते हैं, प्रोग्राम फाइनल करते हैं, फिर है सेल्फ कॉन्फिग्रेशन, ए इज द राइट ऑप्शन, दैट इज प्लग एंड पे। नंबर 27, डैश स्कैनर्स आर कॉमनली यूज इन पब्लिशिंग इंडस्ट्री, रो रेजुलेशन फ्लैट बेड स्कैनर्स, तो दिस इज रॉन्ग, शीट फेड स्कैनर्स सारे ही हम यूज करते हैं, हैंड हेल्ड स्कैनर्स, हैंड हेल्ड स्कैनर्स और ड्रम स्कैनर्स में से ड्रम स्कैनर इज द राइट ऑप्शन। डैश एन ए स्लैश एन इज अ कंप्यूटर टर्मिनल विथ स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिक एट एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन और शॉपिंग मॉल्स, तो दैट इज कियोस्क। ठीक है, क्या है, बी ट्रैक पैड नहीं है, पोर्ट तो आपके इनपुट आउटपुट पोर्ट हो जाते हैं। अ कोडिंग स्ट्रक्चर इन विच कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई मीन्स ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल लाइंस इज कॉल्ड, देखो हम इन सबको ही देख लेते हैं, वैली कोड्स क्या होता है, इसमें हम या तो अल्फाबेट्स या डॉट का यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द इंस्ट्रक्शन या कोड। फिर न्यूमेरिक बार्स में क्या होता है, न्यूमेरिक बार्स में जो हम डेटा हैंडलिंग के लिए ग्राफ्स वगैरह यूज करते हैं, दीज आर कॉल्ड न्यूमेरिक बार्स। बार कोड्स में क्या होता है, आपने खाने की फूड आइटम्स या चीज़ों पर देखेंगे ऐसी ऐसी लाइंस होती हैं, दीज आर कॉल्ड बार कोड्स। ट्रेडमार्क क्या होता है, दिस इज सपोज किसी ने अपने लोगों को रिजर्व कर लिया या कुछ भी, मतलब वो किसी और को अलॉट नहीं होगा, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क।
Which of the following input device allowed direct data entry from source documents? ठीक है, किसके थ्रू हमारी डायरेक्टली डेटा की एंट्री होगी? तो दैट इज स्कैनर, ए इज द राइट ऑप्शन. पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस नहीं होगी, फिर डिजिटाइजर भी नहीं होगी, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन. नाउ अचीवर सेक्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू अबाउट वर्किंग ऑफ कंप्यूटर विद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज? स्टेटमेंट वन, इनपुट डिवाइसेज आर यूज टू प्रोवाइड डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू द कंप्यूटर, तो दिस इज ट्रू. आउटपुट डिवाइसेज आर कैपेबल टू रिप्रेजेंट ओनली टेक्स्ट डेटा टू एंड यूजर, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज आउटपुट डिवाइस तो कुछ भी हो सकती है, मॉनिटर हो सकता है, स्क्रीन भी हो सकता है, उस पर उसी फॉर्म में डेटा हमारा डिस्प्ले होगा. तो ओनली स्टेटमेंट वन मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस. Identify the following. It is a special purpose software. It plays the role of a intermediate between a peripheral devices and the system or application software. ठीक है, ये as a intermediate सारे काम करता है. You may need a different version of it each hardware. तो that is device driver. B is right option for this. Match the following and select the correct option. ठीक है, match करते हैं. This is oval shape which is used at the starting and ending of the program, जिसमें हम show करते हैं start and stop. तो फिर इसके लिए कौन सा option आएगा? Used to represent and represent start and end, means कि यहाँ पर आएगा 2. ठीक है, block this is for decision. ठीक है, अब इसके लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4th. Used to represent the operation of decision making. ठीक है, नाउ ये जो ऑप्शन है, दिस इज़ फॉर डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा? यूज टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ लॉजिक, मीन्स कि डी के साथ क्या होगा? फर्स्ट. अब जो बचा मीन्स सी, सी के साथ क्या हो जाएगा? सी प्रोसेस. अब ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन हमारा गया ए के साथ 2, ए के साथ 2 मीन्स कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. ठीक है, नाउ अब देखते हैं ऑप्शन जो हमारे मैच करें. ऑप्शन सी के साथ, ए के साथ 2, सेकेंड जो भी हमने किया था ना, देखो हमने क्या किया था, ए के साथ सेकेंड, बी के साथ 4, सी के साथ 3 हो जाएगा, बिकॉज ये आपके प्रोसेस को शो करता है और ये डायरेक्शंस को शो करता है, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू अबाउट मशीन लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज के बारे में बताना है क्या ट्रू है फॉल्स है. स्टेटमेंट वन, इफ कंप्राइजेज ऑफ ओनली इट कंप्राइजेज ऑफ ओनली अल्फ़ाबेट लेटर्स, मीन्स कि जो हम मशीन लैंग्वेज लिखते हैं उसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ऐसा नहीं है, वो हमारे बाइनरी में 1-0 होते हैं, मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई? फॉल्स. ठीक है, नाउ इट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाई अ कंप्यूटर, यस हम उसको कंप्यूटर से समझ सकते हैं, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस. इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रिंटर इन विच इंक इज हीटेड अप टू अ बॉइलिंग पॉइंट एंड देन बबल्स आर फॉर्म्ड एट नोजल एंड, द बबल्स देन बर्स्ट एंड इंक इज ट्रांसफर टू द पेपर एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आइडेंटिफाई इट. तो दिस इज लेजर प्रिंटर, नो डॉट मैट्रिक्स, नो इंक जेट है, हमने पहले भी पढ़ा था कि इंक जेट ही होता है, और 3D प्रिंटर नो, तो सी इज द राइट ऑप्शन. थैंक यू सो मच. स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन एंड प्लीज राइट डाउन कमेंट सेक्शन.